हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ घर बनाते समय कॉलम की साइज क्या रखे। दोस्तों, घर जब भी हम घर बनाते हैं तो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहली दोस्तों, फाउंडेशन की डेप्थ, मतलब फाउंडेशन की गहराई सही होनी चाहिए। दूसरी दोस्तों, कॉलम की साइज। दोस्तों, अगर हम फाउंडेशन की गहराई कम रखेंगे या फिर कॉलम की साइज हम कम रखेंगे तो भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे कॉलम की साइज। दोस्तों, कम होने से क्या होता है कि कॉलम अगर हमारा कम साइज का है और थोड़े दिनों बाद या फिर थोड़े सालों बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो हमें और ऊपर एक फ्लोर या दो फ्लोर करने हैं, बनाने हैं, तो ये कॉलम की साइज दोस्तों बहुत कम पड़ जाती है। और फिर भी अगर यही कॉलम की साइज पे अगर आप अपना घर एक दो माले चढ़ा लेते हैं तो भविष्य में दोस्तों उसका जो फाउंडेशन है वो कमजोर होगा, कॉलम दोस्तों बैंड हो सकता है। कॉलम बैंड होने से क्या होगा कि हमारी वॉल में, हमारे स्लैब में, हमारे बीम में क्रैक पड़ेंगे और दोस्तों अल्टीमेटली हमारा जो मकान है वो कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, फाउंडेशन की गहराई और दोस्तों कॉलम की साइज़। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बनाते समय कौन कॉलम की साइज़ कौन सी ले, राइट। जनरली 9 इंच बाय 9 इंच और 9 इंच बाय 12 इंच बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कॉलम की साइज है जनरल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन दोनों में से कौन सी साइज़ हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, ये सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों कॉलम जो है, कॉलम की बात करेंगे। दोस्तों कॉलम घर का एक महत्वपूर्ण अंग है, राइट। मैंने जैसे बताया कॉलम घर के बीम और स्लैब का लोड लेता है, उससे फाउंडेशन तक पहुंचाता है। कॉलम का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, जो हमारे स्लैब है, जैसे कि स्लैब का लोड बीम लेता है, बीम जो है वो अपना लोड कॉलम को ट्रांसफर करता है, कॉलम जो है वो सारा लोड लेके फाउंडेशन तक पहुंचाता है। अगर हमारा कॉलम ही कमजोर हुआ तो हमारा जो ये लोड ट्रांसफर है वो सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कॉलम की साइज गलत होने से घर की दीवार और स्लैब में क्रैक पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलम की साइज हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली कॉलम की साइज़ कौन सी है। जैसे मैंने बताया 9 इंच बाय 9 इंच का जो कॉलम है पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, जो पुराने घर है उसमें आपको 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम ज़्यादातर दिखेंगे। अब दोस्तों ज़्यादातर घर जो है वो 9 इंच बाय 12 इंच के कॉलम ले रहे, मतलब छोटा सा घर है, मतलब करीबन 1500-2000 स्क्वायर फीट का है, एक या दो माले हैं, तो 9 इंच बाय 12 इंच का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये साइज़ है, ठीक है। तो ये दोनों साइज बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब बात करेंगे कि घर बनाते समय कॉलम की साइज क्या रखे। तो कॉलम की साइज दोस्तों आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम, मतलब 230 mm बाय 230 mm का कॉलम आप ले सकते हैं। प्लस पर दोस्तों आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जी का मतलब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अगर आप बना रहे हैं तो 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम जरूर रखिए, ठीक है। G+2 मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस टू, मतलब दो फ्लोर आप बना रहे हैं तो 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम, 300 बाय 300 का कॉलम लेना चाहिए। G+3 में 12 बाय 14 का कॉलम लेना चाहिए। G+4 में दोस्तों 12 बाय 18 का लेना चाहिए और G+5 हो तो 12 बाय 18 का ही लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर और उसके आगे अगर बढ़ना है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अच्छे से स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर को पकड़िए, उसके पास जाके अपनी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करिए, ठीक है। जरूरी नहीं दोस्तों यही साइज आपको यूज़ करनी है, आप G+3 में 9 बाय 12 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको डिज़ाइन करवानी पड़ेगी, राइट, जो स्टील है या फिर जो उसके स्पेसिंग है वो सारी चीज़ें दोस्तों स्ट्रक्चर डिज़ाइनर करता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा G+3 तक अपना जो है साइज़ हम ले सकते हैं, पर उसके बाद आपको ज़रूर दोस्तों डिज़ाइन करवा लेनी चाहिए, यही सबसे सेफ तरीका है। अब बात करेंगे दोस्तों कि घर बनाते समय कम से कम कॉलम की साइज़ क्या रखें। तो दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी, अभी दोस्तों 9 इंच बाय 9 इंच मत यूज़ करिए। आप ग्राउंड फ्लोर भी बना रहे होंगे तो भी आपको 9 इंच बाय 9 इंच नहीं यूज़ करना है। आपको अगर ग्राउंड फ्लोर बना रहे, G+1 बना रहे, आपका एरिया छोटा है तो आप 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम जरूर यूज़ करिए, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉलम है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में मेरा डिस्कशन कि घर बनाते समय कॉलम की साइज़
क्या लगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिबी कॉन्सेप्ट।